काफ़ी संख्या में सब जाग गए हैं, इसलिए 2024 में इस बार निश्चिंत है जयराम महतो जरूर सीएम बने। 2024 में बदलाव चाहिए हम लोगों को, जयराम दा को नेक्स्ट सीएम बनाना है, नेक्स्ट सीएम जयराम दा को बनाना है। 2024 में सीएम बनेगा जयराम महतो, सीएम बनाएंगे हम सब मिलके बनाएंगे। जय झारखंड। आपको लग रहा है कि 2024 में हमारे जयराम महतो सीएम के रूप में दिखेंगे? एकदम दिखेंगे, जरूर दिखेंगे, 100% दिखेंगे, एकदम दिखेंगे। चलिए बढ़िया, जयराम दा एकदम पूरा, एकदम जो भी बोल रहा है झारखंड के भले के लिए ही बोल रहा है, और झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड जो 23 साल में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। बोल रहे हैं कि आज जो जयराम महतो के सभा चल रहा है, मतलब आप क्या सोचिए? सब ठीक है, अच्छा है सब, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं सब। सपोर्ट पूरा है ना जयराम? हाँ पूरा सपोर्ट है। इस बार जयराम महतो सीएम बनेगा? हाँ एकदम बनेगा, बनेगा ना, एकदम बनेगा। जोहार जय झारखंड। हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं गालुडी, गालुडी में यहाँ पे जयराम महतो पहुंचा हुआ। जयराम महतो की सभा में इतना भीड़ देखिए, आप देख सकते हो, कैमरा मैन देखिए, चारों ओर देखिए, कैमरा मैन देखिए, किस तरह से लोग पूरा देखिए, यहाँ पे देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, देखिए छत के ऊपर से भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ऊपर ऊपर में भी पूरा। अभी अभी जो हमारे स्टेज में है आनंदिता दीदी अभी चढ़ी हुई है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग, रोड तरफ देखिए, रोड तरफ देखिए, कैमरा घुमाइए, रोड तरफ देखिए, पूरा रोड पर कचकच भरा हुआ है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे व्हाइट पहने हुए दादा लोग यहाँ पे खड़े हैं। चलिए उन्होंने पूछते हैं आज मतलब किस चीज़ का यहाँ पे, मतलब जो इतना बड़ा माजुंडन रखे हैं, किस चीज़ का माजुंडन है? तो दादा बोल रहे हैं आज किस चीज का है ये एकजुटता है झारखंडी एकता का, यहाँ सब एकजुट हुए हैं झारखंड में बदलाव के लिए। जिस तरह छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, जिस तरह से झारखंड सरकार आज 23 साल से हमारे ऊपर शोषण कर रहा, अत्याचार कर रहा, हमें अपने हक अधिकार से वंचित किया गया है, उसी हक अधिकार के लिए आज हम एकजुट हुए हैं, और उसी एकजुटता का ये एकता का परिचय है। आप लोग जो अभी वाइड वाइड डिसर पहने हैं, सब फंडिंग कहाँ से आ रहा है? इस फंडिंग का बहुत बड़ा स्रोत है, ये फंडिंग का स्रोत है हमारा मनोबल, हमारा एकता, हमारा दृढ़ निश्चय आने वाले समय के बदलाव के लिए। ये फंडिंग हमारा खुद का फंडिंग है, कोई पॉकेट मनी बचा के, कोई अपना रोजगार से काट के, कोई किसी तरह कुछ उपाय करके आज एक गमछा, एक टी शर्ट, आने का साधन, गाड़ी में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया कलेक्शन करके पेट्रोल डाल के आ रहे हैं। तो हमारा फंडिंग का बहुत बड़ा स्रोत है हमारा मनोबल, हमारा दृढ़ निश्चय। क्या लगता दादा इस बार इस तरह से अगर 50 रुपया 10 रुपया करके उठा रहे हैं, क्या लगता जयराम महतो सीएम बन जाएगा? जी जयराम महतो पक्का सीएम बनेगा जी, जयराम महतो 2024 में सीएम बनेगा, जयराम महतो सीएम बनेगा, ये 2024 में सीएम बनेगा, जयराम महतो सीएम बनाएंगे हम सब मिलके बनाएंगे। जय झारखंड। ये हेमंत सोरेन से कुछ होने वाला है नहीं है, अब जयराम महतो को हम लोग को सीएम बनाना है, कुछ भी हो जाए जयराम महतो सीएम बनेगा। आपको क्यों लगता है कि हेमंत सोरेन जी से कुछ नहीं होने वाला? इतना दिन हो गया, 3 साल 4 साल देख ही रहे हैं आप, सबको ही देख रहे हैं, इतना 4 साल हो गया, आज तक क्या किया? ना नियोजन नीति बना पाया, ना उद्योग नीति बना पाया। नौकरी तो दे रहा ना यार। कहाँ नौकरी दे रहा जी, जब तुम लोग को यही नहीं बना है, क्या बोलते हो? कुछ दिन पहले नौकरी दे रहा था जी, नौकरी दे रहा है, लेकिन नौकरी किनको दे रहा है? सब बाहर वाला को ला रहा है, हमें अपना नौकरी से वंचित कर रहा है। अगर हमें जो बोल रहे हैं कैसे पता चल रहा है कि सब बाहर से आ रहे बोल के? प्रूफ है हमारे पास। क्या प्रूफ है? हमारे पास लिस्ट है इसका, समय आने से हम लिस्ट भी जारी करेंगे, जितना है यहाँ पे पंचायत समिति हो या सचिवालय हो, कोई भी फील्ड हो, प्राइवेट क्षेत्र से लेकर सरकारी क्षेत्र में उन्हीं का बोलबाला है, उन्हें ही दिया जा रहा। अगर हम दबे कुचले लोग ठेकेदारों में भी काम कर रहे हैं, तो हमें हमारा जो रेट है, जो हमारा निर्धारित सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया, उससे भी हम वंचित रह रहे हैं, हमें 200-300 रुपये में खटाया जा रहा है। तो हमें 23 साल में क्या दिया? दिया तो 11 मुख्यमंत्री चेंज हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, और क्या हुआ? इसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया, बदले में हमसे लिया हमारा खनिज संपदा, नदी नाला, हमारा धरोहर, सारा चीज हमसे छीन के बाहर भेज दिया, तो हमें कुछ दिया नहीं। ये समय आ गया है बदलाव का, सारे युवा, पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार युवा जाग चुके हैं और अपना हक अधिकार पहचान रहे हैं, और यही हमें मिला है, इसलिए आज हम सब एकजुट हुए हैं कि इस सत्ता को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और युवाओं का सरकार, शिक्षित लोगों का सरकार बनाएंगे। आप लोग का कहने से तो नहीं होता है, पूरा झारखंड वासी जागेगा तब ना? पूरा झारखंड वासी जाग चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं, आज हम घाटशिला में है, यहाँ विभिन्न जगह से आया है, चाहे घाटशिला हो, बहरागोड़ा हो, आदित्यपुर हो, गमरिया हो, कोल्हान हो, सरायकला, राजनगर, सारे क्षेत्र से यहाँ हुजूम देख सकते हैं। आप कैमरा चारों साइड दिखाएंगे, छत में, पेड़ में, स्टेज में, सब जगह भरा हुआ है। तो ये एक बदलाव का संकेत है। आज जिस तरह से देखा गया,
मतलब जो अब निर्मल माता समाधि स्थल पे जिस तरह आप लोग को घुसने नहीं दे, उसमें क्या कुछ करना है आपको? ये बहुत गलत हो रहा है कि हम लोग टाइगर दा को घुसने नहीं मिल रहा है, और जो विधायक है MLA है वो लोग को पूरा घुसने दे रहा है, लेकिन जयराम दा को जो है मतलब वो लोग को जयराम दा को घुसने नहीं मिल रहा हम लोग को। नहीं घुसने मिला, लेकिन जबकि हम लोग का जयराम दा पहले वो लोग से पहले वहाँ पहुँचे थे, बावजूद उनको घुसने नहीं दिया गया। क्या लगता था गलत था ये चीज़? गलत, अब प्रशासन का दबाव और कुछ नहीं, इसमें क्या बोलेंगे बताइए, ये तो गलत ही है एक प्रकार का। क्या कहेंगे दादा, आज इतना बड़ा महा अभी गठबंधन रखा, क्या इसमें हम सब चाहते हैं कि एक बदलाव हो, और हम लोग हर तरह से कहीं ना कहीं ऐसे शोषित हो रहे हैं कि बारियों से कि एकदम आखिरी कगार में आ गए हैं, या तो कुछ ना कुछ करना ही है, पचे पचे भले अपने जान चले जाए। आज भी हम लोग यही सोच लेके आए हैं कि हम लोग अपना सभा में बदलाव का बात कर रहे हैं, तो बदलाव के बारे में एक बार कैमरा को घुमा के दिखाइए कि कौन कौन जाग गया, कैमरा को दिखाइए एक बार, जागा क्यों नहीं है? उधर चोंगा में बैठा हुआ है इंसान, देखिए देखिए किस तरह से। ये दृढ़ निश्चय है कि 2024 में हम बदलाव लाएंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। दादा यहाँ पर देख रहे हैं आज पूरा दाढ़ी मूंछ लगा के पूरा चश्मा उसको पहन के नेता, मतलब क्या नेता नेता जैसे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहेंगे देखिए जैसा हुजूम है आज काफी संख्या में सब जाग गए हैं, इसलिए 2024 में इस बार निश्चिंत है जयराम महतो जरूर CM बने। 2024 में बदलाव चाहिए हम लोग को, जयराम दा को नेक्स्ट CM बनाना है, नेक्स्ट CM जयराम दा को बनाना है। चलिए हम लोग राय लेते हैं और भी जनता लोगों से, जनता लोग क्या कुछ कहते हैं, जयराम महतो CM बनेगा? एकदम बनाना है जयराम दा को, एकदम CM बनाना है, तन मन धन दे के CM बनाना है। इतना दिन से जो हम लोग का ये BJP सरकार JMM सरकार आया आज 23 साल से, आज तक हम लोग स्टूडेंट लोग आए हैं यहाँ पर जयराम दा का सेवा ये में प्रोग्राम में, इसका हम लोग स्टूडेंट उतरे हैं, आज जयराम दा का साथ में हम लोग तो एकदम चाहते हैं कि तन मन धन से जयराम दा को CM बनाना है, कुछ भी हाल में कहीं भी जाना पड़े जयराम दी का सपोर्ट करने हम लोग पहुंचेंगे। दादा कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड?